अभी तक का मैंने बेस्ट कचौरी खाया। सी ही इज ऑल्सो ईटिंग, इसको कचौरी पसंद नहीं है लेकिन ये खा रहा है, बहुत टेस्टी है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज प्रिंस सुमित और आज मैं निकला हूँ पुणे की सड़कों पर बेस्ट स्ट्रीट फूड की तलाश में। तो एक रिकमेंडेशन जो मुझे आया है वो है गजानन कचौरी का। अब ये फेमस क्यों है कि वहाँ जाके पता चलेगा, तो चलो गजानन कचौरी चलते हैं, कचौरी टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं कि आखिर ये फेमस क्यों है। लेट्स गो। फाइनली मेरे पास आ चुकी है मेरी गर्मा गर्म कचौरी और मैं इसको अब टेस्ट करके देखूंगा कि आखिर ये कचौरी इतनी फेमस क्यों है। गर्मा गर्म कचौरी कढ़ाई से निकलकर सीधा आपकी प्लेट में विद मूंग दाल स्टफिंग इनसाइड द कचौरी और ये तेज लहसुन की चटनी, यही एक कॉम्बिनेशन है जो इस कचौरी को इतनी टेस्टी और फेमस बनाता है। बहुत सही है, अभी तक का मैंने बेस्ट कचौरी खाया। सी ही इज ऑल्सो ईटिंग, इसको कचौरी पसंद नहीं है लेकिन ये खा रहा है, बहुत टेस्टी है। यस yes. रोहित गाइस, जितनी ये कचौरी मुझे पसंद आई है उतनी ही मेरे ऑफिस में सबको पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ ये वीडियो शेयर करना अपने उन फूडी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का शौक है। सो गाइस, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोर।